प्लास्टिक से पेट्रोल बनेगा, आपने सोचा था? आठवीं का बच्चा इतनी बड़ी खोज करेगा, कभी ख्याल आया था? बिहार के लाल का कमाल, रोशन किया नाम। बिहार के लाल ने कमाल कर दिया, कारनामा ऐसा कि सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। कैमूर में सरकारी स्कूल में आठवीं क्लास के एक बच्चे ने अपनी इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को चुनौती दे दी। प्लास्टिक से पेट्रोल बनाकर विकास कुमार नाम के बच्चे ने सबको हैरान कर दिया। अब तो अच्छे अच्छे जानकार भी दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। विकास ने पिछले 8 महीने से कड़ी मेहनत की और फिर इस प्रोजेक्ट को फाइनल टच दिया। उन्होंने कचरे के ढेर में से सामान इकट्ठा कर प्लास्टिक से पेट्रोल बनाया है। हालांकि अभी इसे हम कार या बाइक में डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इसमें प्योरिफिकेशन की जरूरत है। अभी ये ईंधन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सर, ये तो मान लीजिए कि बुक में हमारा है कोयले से कोल तार बनाना। अच्छा अच्छा, कोल गैस बनाना। तो हमने सोचा क्या कि पेट्रोलियम पदार्थ बनता कैसे है। तो हमने पाया कि पहले जो कि डीजल पेट्रोल होता है, किरोसिन होता है, उसका शेष जो भाग बचता है उसे प्लास्टिक बनाया जाता है। अच्छा अच्छा, तो हमने सोचा कि जब ठोस अवस्था में प्लास्टिक को बनाया जाता है तो हम उसे तरल अवस्था में करके पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में मतलब तैयार कर सकते हैं। अच्छा। और इसका शुद्धिकरण कर कम शुद्ध पेट्रोल भी मतलब उपयोग में ला सकते हैं। जानते हैं आप, मात्र 1500 की लागत से प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने की मशीन बनाई गई। विकास के इस आविष्कार में उसके स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों का अहम रोल रहा। 5 kg का अगर हमारा ये सिलेंडर है तो हम उसमें से 100 ml तक पेट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग बच्चों को कबाड़ से जुगाड़ के तरफ ले गए और पहले कंपोस्ट भी बनाने का प्रयास बच्चे कर चुके हैं, पहले से कंपोस्ट भी बना कर दिखाए हैं। तो हम लोग सोचे कि क्यों नहीं प्लास्टिक का ही प्रयोग करके कुछ नया चीज़ किया जाए और बच्चे इसमें उत्सुकता अपनी दिखाए। बच्चों को पढ़ा रहे थे तो बच्चे प्रश्न कर रहे थे, 8 क्लास में विज्ञान पढ़ाता हूँ, कि सर जब हम एक कोयले को गला करके कोल तार और कोल गैस प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों ना हम लोग प्लास्टिक से को गला करके हम लोग उसको फाइन करके तेल प्राप्त करें और गैस प्राप्त करें या जो भी प्राप्त हो, ताकि कचरा से मुक्त हो। तो हमने बच्चों से कहा, तो हर साल जैसे कि विज्ञान का प्रदर्शनी होता है तो हमने कहा कि चलो इसे यही मॉडल बनाया जाए। नन्हे वैज्ञानिक विकास जिले में आयोजित साइंस मेला में पहला स्थान लाकर अपने स्कूल के साथ साथ परिवार और जिले का भी नाम रोशन कर चुके हैं। वहीं ये आविष्कार चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज़ लाइफ डेस्क, बिहार।